आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर को थिएटर्स पर दस्तक देने वाली है। इसके साथ ही कयास लगने लगे हैं कि ये फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा देगी। इस बात की ओर इशारा दे रहे हैं फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़े। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग के मामले में 7 फिल्मों को पछाड़ते हुए नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है। रिपोर्ट्स की माने तो इसके साथ ही ये फिल्म साल 2022 की हाईएस्ट एडवांस बुकिंग वाली फिल्म बन चुकी है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म ने एडवांस बुकिंग शुरू होने के 2 दिन में देश भर में करीब 65,000 टिकट्स की बिक्री कर ली। इसके साथ ही ये फिल्म इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पर आ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अब तक एडवांस टिकट्स की बिक्री के जरिए 20 करोड़ रुपए का आंकड़ा हासिल कर लिया है, जिसके बाद दावा है कि ये फिल्म पहले दिन कम से कम 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की ओपनिंग लेगी। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले एडवांस बुकिंग के मामले में कार्तिक आर्यन की फिल्म टॉप पर थी। इस फिल्म ने 6.55 करोड़ रुपए एडवांस बुकिंग के जरिए हासिल किए थे। लिस्ट में तीसरे नंबर पर आमिर खान और करीना कपूर की फिल्म लाल सिंह चड्ढा है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से कुल 5.52 करोड़ रुपए एडवांस बुकिंग के जरिए कमाए थे। वरुण धवन और कियारा आडवाणी की फिल्म जुग जुग जियो भी साल 2022 की हिट बॉलीवुड फिल्म थी। इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग के जरिए 5.39 करोड़ रुपए हासिल किए थे। इसी के साथ ये फिल्म इस मामले में चौथे नंबर पर है। अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग के जरिए कुल 4.65 करोड़ रुपए हासिल किए थे और 5वां नंबर हासिल किया था। इस लिस्ट में छठा नाम रणबीर कपूर की ही फिल्म शमशेरा का है। इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग के जरिए 4.57 करोड़ रुपए कमाए थे। अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन भी दर्शकों को खास इम्प्रेस नहीं कर पाई थी। फेस्टिवल रिलीज के बावजूद फिल्म ने कुल 4.09 करोड़ रुपए एडवांस बुकिंग के जरिए कमाए थे। वहीं अब एडवांस बुकिंग के मामले में रणबीर की ब्रह्मास्त्र ने सबको इस साल रिलीज हुई सारी हिंदी फिल्मों को मात दे दी। बता दें कि फिल्म की इतनी जबरदस्त एडवांस बुकिंग तब देखने को मिल रही है जब ट्विटर पर इस फिल्म का जमकर विरोध हो रहा है। बता दें कि ब्रह्मास्त्र ने अक्षय से लेकर आमिर खान जैसे बड़े स्टार्स को मात दे दी है। अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म इस साल की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है, जिसे 410 करोड़ के बजट से बनाया गया है। फिल्म में रणबीर और आलिया के अलावा अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और मौनी रॉय अहम रोल में नजर आएंगे। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म क्या धमाल मचाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ये फिल्म बॉलीवुड को हिट का स्वाद चखा पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।